हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं अमरीश शुक्ला, आप देख रहे हैं ओनली यूपीएससी। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, उनकी अध्यक्षता किसने की, उसमें कौन से ऐसे डेवलपमेंट हुए जो आगे इम्पैक्टफुल रहे हैं, या ओवरऑल बात होगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनकी बात होगी। पूरे अधिवेशन को हम देखेंगे दो वीडियोज़ में, ठीक है ना। तो पूरे अधिवेशन को हम दो वीडियोज़ में देखेंगे, ये उसका पहला वीडियो है। इससे पहले हमने 1857 की विद्रोह को पूरा कर लिया, उस पर हमने दो वीडियोस और क्वेश्चन भी करवाए थे। तो इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो जो नए हैं, एकदम पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अपने कुछ अच्छे दोस्तों को जो उनके लिए बेहतर सोचते हैं उन्हें शेयर भी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनकी। तो परिचय पहले देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं कि 1885 में हुई। कहाँ पर हुई? बॉम्बे में हुई। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से सही हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ होती है। 1885 में होती है, बॉम्बे में होती है, 1885 दिसंबर, याद रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसके जो प्रारंभिक नेता हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, उसमें दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी, सुनीलनाथ बनर्जी, रोमेश चंद दत्ता और यश सुब्रमण्यम अय्यर, ये लोग जो हैं, ये जो इनिशियल एकदम कांग्रेस था ना, उसके नेता थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, तो इन्होंने ही इसको बना करके खड़ा किया था। प्रारंभ में इसके कई नेतृत्वकर्ता बंबई और कलकत्ता से संबंधित थे, ठीक है ना। एक सेवानिवृत्त जो अंग्रेज अधिकारी था एओ होम, इसके जो है, इसने भी बहुत सारा इसमें मेहनत किया, प्रयास किया और उसके बाद ही कांग्रेस के जो ये पूरा स्वरूप है बन करके तैयार हो पाया था, ठीक है ना। तो एक साथ भारत के बहुत सारे लोगों को लाने में सफल भी हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था और देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता था, मोस्ट प्रोबेबली, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो जिस क्षेत्र में अधिवेशन हो रहा है वहीं का अध्यक्ष होता था जहाँ की कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन होना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, वो ये है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, आइडिया ऑफ इंडिया जो है ना, ये कैसे डेवलप हुआ और जो कांग्रेस से उसकी इसमें भूमिका क्या थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि जो 1857 का आपका ग्रेट रेवोल्यूशन है, ठीक है ना, जो ये महान म्यूटनी है, महान विद्रोह है, यहाँ पर एक चीज़ आपको साफ साफ दिखेगी कि ऐसे जो एक इंडियन नेशन या एक राष्ट्र की अवधारणा नहीं बनी थी। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, आपने अगर क्लास को अच्छे से समझा है, तो इस विद्रोह में आप देखेंगे कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो झांसी के अपने राज्य के लिए लड़ रही हैं, नाना साहब हैं अपने पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, कुंवर सिंह अपनी जमींदारी के लिए लड़ रहे हैं, जो किसान और सैनिक हैं वो अपने धर्म और जो उनका छोटा छोटा धंधा बर्बाद हो रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी इंडिया के लिए नहीं लड़ रहा था, यहाँ पर कोई भी इंडिया के लिए नहीं लड़ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी इंडिया के लिए नहीं लड़ रहा है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। तो जब तक आप एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर के लड़ाई नहीं लड़ते, तब तक शायद अंग्रेजों को उस तरीके से आप एक चैलेंज नहीं दे सकते थे। और यही वजह था कि जो 1857 का इतना बड़ा व्यापक विद्रोह था जिसमें लाखों सैनिक और लोग मिलकर के सम्मिलित होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, बट उनसे जीत नहीं पाए क्योंकि कोई एक संगठित स्वरूप था ही नहीं लड़ने के लिए, इसीलिए वो अंग्रेजों से नहीं जीत पाए। तो जब कांग्रेस का गठन होता है तो उस वक्त भले ही जो लोग गठन कर रहे हैं उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, बट आइडिया ऑफ इंडिया वहाँ भी डेवलप नहीं हो पाता है। आगे चल करके जब 1905 में मैं आपको पढ़ाऊँगा जो बंगाल का विभाजन होता है और उसके बाद में जो एक सेंटीमेंट, जो राष्ट्रवाद का सेंटीमेंट वहां से डेवलप होता है ना, उसने आइडिया ऑफ इंडिया को जन्म दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत माता का चित्र बनाएंगे, तो वो पूरी बातचीत आगे होगी। बट जो कांग्रेस है ना, उसने कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद का जो है बीज कांग्रेस के स्थापना से ही पड़ जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे संगठन के रूप में स्थापित होती है कि वो पूरे इंडिया की बात करेगी, एज ए इंडिया रिप्रेजेंटेटिव वो होगी, ठीक है ना, उसका प्रतिनिधित्व करेगी। तो अब देखते हैं इसके जो विभिन्न सत्र हैं वो क्या है। पहला अधिवेशन इसका होता है 1885 में बॉम्बे में और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, ब्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। अगला जो दूसरा सत्र होता है वो 1886 में होता है, कोलकाता में होता है,
आपको दो तीन चीज़ याद रखना है, एक तो सन, दूसरा स्थान और तीसरा अध्यक्ष। ये बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूज भी करता है। तो 1886 में दूसरा होता है और इसके अध्यक्ष जो हैं दादा भाई नौरोजी बनते हैं। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। जो तीसरा सत्र है वो होता है मद्रास में, ठीक है ना, 1887 में। इसकी अध्यक्षता की सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने। और इनसे संबंधित एक सवाल और पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये सवाल भी अलग से पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है ना। इनका नाम ही मेरे मुँह से अच्छे से नहीं निकल रहा है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जो चौथा सत्र है या चौथा अधिवेशन इससे आप कह सकते हैं, ये हुआ इलाहाबाद में, 1888 ईस्वी में हुआ और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। अब यहाँ पर एक सवाल और तैयार होता है, सवाल क्या है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? जॉर्ज यूल थे। स्थापना एक अंग्रेज ने की, ए हुम ने की, बट वो प्रेसिडेंट नहीं बना था, पहला भीमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना। पहला प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल बनता है और ये जो है 1888 में बनता है जब इलाहाबाद में इसका अधिवेशन होता है। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो है कोलकाता का अधिवेशन 1896 का और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो क्या है कि रवींद्रनाथ टैगोर इसमें शामिल होते हैं और पहली बार अपनी गीत वंदे मातरम को गाते हैं। यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जाता है कि किस सत्र में, तो 1896 के सत्र में। सत्र कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। अध्यक्षता किसने की? रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें पहली बार गुरु रवींद्रनाथ टैगोर जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है ना, इन्होंने वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया था, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो बैठक होता है वो नवाबों के शहर लखनऊ में होता है, 1899 में होता है। अध्यक्ष इसके रमेश चंद्र दत्त थे। कौन? रमेश चंद्र दत्त थे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वो क्या हुआ? भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग, ठीक है ना। जो भू राजस्व यानी कि जो कर वसूला जा रहा है उसका एक स्थायी निर्धारण हो, क्या हो? एक स्थायी निर्धारण हो, यानी कि कुछ भी ना हो, कहीं पर कुछ और हो रहा है, कहीं पर जमींदारी व्यवस्था है, कहीं पर महलवाड़ी है, तो ठीक है ना, तो ऐसे ना हो, एक निर्धारित व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी मांग रमेश चंद्र दत्ता ने की। 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, अध्यक्षता इसकी की दिनेश ई वाचा ने, ठीक है ना, दिनेश ई वाचा ने किया। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि गांधी जी फर्स्ट टाइम गांधी जी कांग्रेस के मंच पर इसी वर्ष दिखाई दिए। हालांकि गांधी जी आपको पोलिटिकली सक्रिय कब दिखेंगे? 1915 में जब वो BHU में एक कार्यक्रम को संबोधित करने जाते हैं, उसके बाद में 1917 में जब वो अपना पहला सत्याग्रह करते हैं, तो वहाँ से वो पॉलिटिकली आपको एक्टिव दिखेंगे। बट वो सबसे पहले कांग्रेस के मंच पर कब दिखाई दिए? 1901 ईस्वी में दिखाई दिए, ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण बैठक होता है कांग्रेस का, 1905 में होता है अधिवेशन, और ये कहाँ होता है? बनारस में होता है, बनारस, बम भोले बाबा की नगरी बनारस। बनारस कॉरिडोर की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है, ठीक है ना। और बनारस की ही आपकी कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो जो बनारस से हमारे छात्र एकदम खुश हो गए होंगे कि इतनी बात बनारस की हो गई। बनारस के घाट भी बहुत प्रसिद्ध हैं, मैं जो है कई दो तीन बार बनारस गया हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है, कमाल की जगह है। गलियाँ भले ही पतली हैं लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े हैं बनारस के। तो 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इसको आप नोट डाउन करेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है ना। और इन्होंने 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या हुआ कि सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ बंगाल में स्टार्ट हुआ 1905 में, उसकी औपचारिक घोषणा, कांग्रेस का समर्थन कब मिला? 1905 के बनारस अधिवेशन में, जब उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन करेंगे आप लोग। 1906 में
दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं। अब यहाँ पर नोट डाउन करना है, आपने देखा था कि 1886 में जो अधिवेशन हुआ कोलकाता में उसका भी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और फिर से 1906 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है तो उसके अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। तो ये दो बार हो गए। आप नंबरिंग भी याद रखेंगे ठीक है ना, कि कौन कितनी बार हो रहा है। इसमें चार प्रस्तावों को अपनाया गया। पहला है स्वराज्य, स्वसरकार। स्वराज्य का मतलब स्वसरकार, अपनी सरकार, अपने लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। बहिष्कार, जो बहिष्कार हो रहा था जो है स्वदेशी आंदोलन के समय पर बंगाल में, उस पर उसको लेकर के एक रेजोल्यूशन पास किया गया। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा हो, जो एजुकेशन हो वो स्वदेशी होनी चाहिए, ऐसा भी एक प्रस्ताव पास किया गया। उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है वर्ष 1907 में सूरत में। सूरत कहाँ है, गुजरात में। गांधी जी कहाँ थे, गुजरात के थे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। तो सूरत में एक अधिवेशन होता है 1907 में, अध्यक्ष इसके थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम पंथ और गर्म पंथ में। ये नरम पंथ गर्म पंथ क्या है, जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं पढ़ा है वहाँ तक, उनको आगे बताऊँगा। बट अभी क्या है कि अभी के लिए आप जान लीजिए कि नरम पंथ और गर्म पंथ क्या है। जो शुरुआत में कांग्रेस था ना, वो एक तरीके से एक एज ए पिटिशनर जाते थे अंग्रेजों के पास कि आप जो है माई बाप हैं, आप ये मान लीजिए, ये रिलेशन आप मान लीजिए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो लड़ाई थी बुद्धिजीवी वर्ग की, वो एक तरीके से पिटिशनर प्रार्थना करके थी कि आपको ये मेरे अधिकार है देने चाहिए, और नैतिक आधार पर वो मांग करते थे। तो जो बाद में लोग आए, चाहे जो है तिलक जी हों, इन सबका जो पूरा ब्रिगेड बनके तैयार होता है, इन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे काम नहीं होगा, हमें बहुत ही एग्रेसिवली इनसे बात करना होगा। तो उनमें मतभेद हो गए, और जब मतभेद हुआ तो उसके बाद में नरम पंथ और गर्म पंथ के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है, और वो आपस में विभाजित हो जाते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन में। नरमपंथी और गर्मपंथी में विभाजन हो जाता है। आगे देखते हैं, वर्ष 1910 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की सर विलियम बेडर्न बन ने। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसको नोट डाउन आपको करना है, कि ये दूसरे अंग्रेज हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे पहले कौन थे, जार्जियुल थे, चौथे वाले ठीक है ना। इलाहाबाद में उसका भी हुआ था, इलाहाबाद में दो अधिवेशन हुए, दोनों की अध्यक्षता किसने की, अंग्रेजों ने की। पहला जार्जियुल ने किया था, और दूसरा जो 1910 में हो रहा है कौन कर रहे हैं, सर विलियम बेडर्न बन कर रहे हैं ठीक है ना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या है, एम ए जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, नोट डाउन आप करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना एक विलेन के रूप में याद किया जाता है जब भारत के, अखंड भारत के विभाजन की बात होती है तब। ये जो जिन्ना है ना, ये उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट इनकी आइडियोलॉजी थी। 1909 में मैं आगे पढ़ाऊंगा कि जो मांटो मिर्लो सुधार था ठीक है ना, तो उसमें क्या है, मार्लो मिंटो ठीक है, मार्लो मिंटो ठीक है। तो मार्लो मिंटो जो सुधार था उसमें मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्ट्रोल की बात की गई थी, बट एक प्रोग्रेसिव सोच वाला व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना उसका अपोज करता है, और यही मोहम्मद अली जिन्ना धर्म के नाम पर आगे चल करके देश का विभाजन करवाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो बदलाव उनके अंदर हुआ, वो बाद में आकर के होता है। शुरुआत में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अलग इलेक्ट्रोल थी उसके मांग को ठुकरा दिया था ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये 1910 के आसपास की बात है, यही जिन्ना जब आपको 1936 में मिलेंगे, 1940 में मिलेंगे, तो इनकी भाषा एकदम बदल जाएगी। वर्ष 1911 का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हुआ, और इसकी अध्यक्षता बी एन धर ने की। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। आपको याद रखना है, मैंने बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब सबसे पहले वंदे मातरम गाया था, आप याद करिए। और 1911 वाले में सबसे पहली बार जनगण मन गाया गया, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बी एन धर ने की थी। और आपको याद मैं कराऊँ, आपको याद क्या कराऊँ, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि सबसे पहले 1896 में ही जब रहमतुल्ला सयानी उसके अध्यक्ष थे तब वंदे मातरम गाया, यानी कि 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, और 1911 में सबसे पहले
आपका जनगण मन गाया जाता है, तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब सयानी जी अध्यक्षता कर रहे थे, इस टाइम पर बी एन धर जी अध्यक्षता कर रहे हैं, और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है, 1911 का, कहाँ पर हुआ, कोलकाता में हुआ, ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसको हम देखते हैं क्या है। अगला आपका महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1915 में बॉम्बे में होता है, और इसकी अध्यक्षता सर एस पी सिन्हा ने किया। किसने? सर एस पी सिन्हा ने किया। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ वो क्या हुआ कि चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। जो चरमपंथी प्रतिनिधि थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एग्रेसिव होकर के जो है अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे, उनको कांग्रेस में शामिल करने के लिए एक रेजोल्यूशन को पास किया गया, और वो आगे चल करके शामिल होंगे। तो इसके आगे की जो क्लास होगी वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की, वहाँ से हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। अगर मिली हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।